नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना आप सभी का पोगे लाइव में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। और जो भी मदद मेरी तरफ से हो सकती है वो मैं देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अच्छा, अभी वैसे तो हम इसका टाइम डिसाइड कर देंगे। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी वर्तमान में, ये वीडियो लगातार सूचकांक क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि नंबरिंग में थोड़ी आगे पीछे गलती हो गई थी और एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया था। खैर, उस पॉइंट को मैंने रेक्टिफाई कर लिया है, क्योंकि ये प्लेलिस्ट में अपडेट हो जाएगा कौन से नंबर पर कौन सा लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स नंबर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे वेटेड इंडेक्स हैं, तो उनमें सबसे बेहतरीन कौन है, सबसे बढ़िया कौन है, किसके आधार पर हम बोलते हैं कि वो सबसे बेहतरीन है, उसकी हम मैं चर्चा कर रहा हूँ। और जब भी बात कर रहा हूँ किसके बारे में, इंडेक्स नंबर में ही आपको बताया था कि बेहतरीन ज्ञात करने के लिए हमने चार टेस्ट करने हैं जी। एक होता है यूनिट टेस्ट, दूसरा मैंने आपको बताया था टाइम रिवर्सल टेस्ट, तीसरा मैंने आपको बताया था फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसको बोलते हैं समय उत्प्रवणता परीक्षण, और इसको बोलते हैं तत्व उत्प्रवणता परीक्षण, और चौथा होता है सर्कुलर टेस्ट। टेस्ट ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए थे कि और क्वेश्चन कैसा आएगा ये मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। आपको मैंने यूनिट टेस्ट बता दिया था कि इसमें सभी के सभी लोग उसको पार कर जाते हैं। क्या बोला मैंने? सभी लोग, एवरीवन, चाहे लास्ट पेयर हो, चाहे पाशे हो, चाहे फिशर हो, चाहे डॉर्विशन बाउले हो, चाहे मार्शल एजवर्थ हो, चाहे आपका वॉल्श हो, चाहे आपका केली हो, ये सभी की सभी इस यूनिट टेस्ट को पार कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि भैया आपका जो भी फॉर्मूला होना चाहिए वो यूनिट फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इकाई विहीन होना चाहिए, यूनिट फ्री होना चाहिए। तो पूछ सकता है कई बार कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसको सभी फॉर्मूले पार कर जाते हैं, तो यूनिट फ्री जो है वो कौन है? बाय डिफॉल्ट यूनिट टेस्ट है। अब बात करते हैं फिर टाइम रिवर्सल की। इसमें मैंने आपको कल बताया था, कल वाले वीडियो ध्यान से देखिएगा, P01 और P10 यानी समय को बदल दिया जाए और आपस में गुणा कर दिया जाए और आपके पास गुणांक एक आ जाए या गुणनफल एक आ जाए, तो उसे बोलते हैं हम टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब इसको कौन पार करके नहीं गया था, आपको बता दूं, P01 लास्ट पेयर ने इसको पार नहीं किया था, पाशे भी इसको पार नहीं कर पाया था, ठीक है, फिशर ने इसको पार कर लिया था, डार्विश एंड बाउले, देखो सुना आंसर, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ डॉर्विश एंड बाउली की कहानी क्या थी, आपको देता हूँ। उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा था, समीशन P1Q0 P0Q0 P1Q1 अपॉन P0Q1 है ना, अपॉन 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। कम बैक, ग्रेट ग्रेट राकेश, आप आ गए वापस। अब मैं इसमें अगर मान लो मैं कहता हूँ भैया इसको अपन कुछ भी वैल्यू, लेट इट बी वैल्यू से करता है, आपके पास वैल्यूज हैं जो थोड़ी देर पहले थी, P1Q0 की वैल्यू है 520, P0Q0 की वैल्यू है 230, P1Q1 की वैल्यू है 630, P0Q1 की वैल्यू है आपके पास 420 करते हैं 525, ये P01 डार्विश एंड बाउले है और P10 क्या होगा भाई, फॉर्मूले में इंटरचेंज जाएगा, P0Q1 अपॉन P1Q1 प्लस P0Q0 अपौन समीशन P1Q0। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको वैल्यू रख भी देता हूँ और इनको आपस में जब मैं गुणा भी करूँगा तो मुझे कभी भी इनका गुणनफल एक नहीं मिलेगा।
चेक करके देख लो आप, आपके देखो एलसीएम कुछ और आ रहा है, इनका टोटलिंग कुछ और होगी, अपॉन टू तो है ही बाय डिफॉल्ट, तो उसका आंसर कभी भी इक्वल टू वन नहीं आएगा। तो धारा ना डॉर्बिशन बॉल समय अतिक्रमण को पार नहीं करता है। अब आप कह रहे थे कि सर प्रैक्टिकल बताओ, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कौन सा पार नहीं करता है। फिर आपके पास P01 मार्शियन एंड एजवर्थ इसको पार कर गया था, P01 वॉल्श का फॉर्मूला भी इसको पार कर गया था, और P01 कैली भी इसको पार कर गया था। तो कितने लोगों ने इस टेस्ट को पार किया था, इसको टेस्ट को पार किया था मुख्य रूप से फिशर, मार्शियन एजवर्थ, वॉल्श एंड कैली। तो ये चार लोग इसको पार करते हैं और हर जना इसको पार नहीं करता है, पर हमें तो आइडियल बनाना है कि कौन सा ऐसा है जो आइडियल है। तो हमारे एक भाई साहब थे फिशर, याद है ना, तो फैक्टर रिवर्सल दैट या तत्व उत्क्रमणता परीक्षण जो बनाया था, उत्क्रमणता परीक्षण अगर किसी ने बताया था तो उसका नाम कौन है, बाय डिफॉल्ट इरविन फिशर। इरविन फिशर का ही डिराइव टेस्ट है। पूछा जा सकता है कि तत्व परीक्षण किसने बनाया है, तो इरविन फिशर ने बनाया है। अब वो क्या कहता है, तत्व उत्क्रमणता, वो कहता है भाई आप तत्व को बदल दो, जहाँ पी है वहाँ क्यू कर दो, जहाँ क्यू है वहाँ पी कर दो। तो P01 और Q01 आप जब करोगे तो आपको वो क्या मिलना चाहिए, V0 मतलब नहीं वैल्यू इंडेक्स मिलना चाहिए। और वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, ये होता है P1 Q1 और P0 Q0, आपको ये मिलना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से इसको मैं प्रूफ भी करूँगा थोड़ी देर में, पर ध्यान रखना ना तो लास्ट पेयर, ठीक है, क्या बोला मैंने, ना लास्ट पेयर, ना पाशे, ना डॉर्बिशन बाउले, ना मार्शल एजवर्थ, ना वॉल्श, ना कैली, कोई भी इस टेस्ट को पार नहीं करेगा, क्योंकि आपको वैल्यू इंडेक्स मिलेगा ही नहीं। एकमात्र फिशर ही इस टेस्ट को पार करेगा। क्या करेगा, फिशर ही इस टेस्ट को पार करेगा। और जैसे ही वो पार करेगा, क्योंकि उसने तीन परीक्षा पास कर ली, यूनिट, टाइम और फैक्टर, और वो क्या बन जाएगा, आइडियल इंडेक्स नंबर। क्या बोला मैंने, आइडियल इंडेक्स नंबर या फॉर्मूला, आइडियल फॉर्मूला यही है, आदर्श जो है, आदर्श क्यों है, क्योंकि उसने तीन टेस्ट पास किए हैं। फिशर कौन कौन से टेस्ट पार करता है, यूनिट, टाइम और फैक्टर रिवर्सल पार करता है, इसलिए वो क्या है, आदर्श इंडेक्स नंबर है, आदर्श मानक है। देखो मैं हर चीज़ को, आपने अभी कुछ एक बच्चे का आप थ्योरेटिकल बताओ, तो ये थ्योरेटिकली तो है क्या है फिर, ये कौन पार कर रहा है कौन नहीं पार कर रहा है, ये मैंने बहुत प्रॉपर समझा दिया, बुक्स में इतने प्रॉपर तरीके से नहीं गिवन है जो आप देख सकते हैं कोई भी बुकलेट्स को, ठीक है। तो ये आदर्श इंडेक्स नंबर होता है, क्लियर हो गया क्यों होता है, लॉजिक आपको क्लियर मैंने करा। अब मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ क्यों ये आदर्श इंडेक्स नंबर है, क्या कारण के किस कारण से इसको आदर्श इंडेक्स नंबर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, अब देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि ये क्यों आपको ये वैल्यू इंडेक्स दे रहा है, ठीक है। अब देखो आपको याद रखता हूँ P01 फिशर का फॉर्मूला क्या था, वो था समीशन P0 Q0 इंटू समीशन P0 Q1 और इसका रूट, याद है ना आपको, ये फिशर का फॉर्मूला था। अब मैं कहता हूँ कि भैया इसमें आप इंटरचेंज कर दीजिए, जहाँ पे P है वहाँ Q, जहाँ Q है वहाँ P, Q01 क्वांटिटी इंडेक्स माना जाता है, तो क्या बनेगा ये समीशन Q0 P0 बार बार में एक समस्या होती रही है, गायब हो जाता है इंटरनेट, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास है,
चलो इधर देखो। शुरू करें, दिख रहा है? ओके लेट्स अप्लाई। अब देखो ये जो है इनको आपस में आप गुणा कर लीजिए। क्या बोला मैंने? इनको आपस में गुणा कर लीजिए। अब एक बार सोचो, इनको गुणा करें P01 फिशर और Q01 फिशर, लेट्स अप्लाई। क्या बनेगा भैया? समीशन P0 Q0 इंटू P0 Q1 मल्टीप्लाइड रूट के अंदर ही Q1 P0 Q0 P1 ये होगा ना? ओके मल्टीप्लाई करते हैं। अब सोचना एक बात, देखो मैं बोलूँ 2 × 3 कितने होते हैं? सब 6। और 3 × 2 कितने होते हैं? ये भी 6। तो P0 P0 बोलोगे, Q0 P0 बोलो, बात एक ही होती है, रखना बावले मत बनना कि सर क्या है, ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। ये अलग अलग टेक्नोलॉजी नहीं है भैया, एक ही चीज़ होती है, ये एक ही बात होती है, हमेशा ध्यान रखना। ये एक ही कॉन्सेप्ट है जिनको आपको समझना है, ठीक है ना? ये कोई भी अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है। कई लोग बोलते हैं सर ये 2 × 3 अलग है और 3 × 4 अलग है, बात तो है कि ये 2 × 3 बोलो कि 2 × 3 × 2 बोलो, ठीक है? समझ नहीं कुछ करना। तो ये नहीं कि Q0 P0 अलग है और ये अलग है, ये एक ही है, दोनों सेम इस टू भी दे। अब देखो क्या हो रहा है, P1 Q0 ये कैंसिल हो गए, यहाँ से अपने पास P0 Q1 और P0 Q1 कैंसिल हो गए। अब अल्टीमेटली बचा क्या अंदर? देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दो है, यानी कि बच गया P1 Q1 का स्क्वायर और नीचे P0 Q0 का स्क्वायर, और ये किसके अंदर है? बाय डिफॉल्ट अंडर रूट में, स्क्वायर से स्क्वायर बाहर आ जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? P1 Q1 P0 Q0, जो कि अल्टीमेटली क्या है? वैल्यू इंडेक्स नंबर, दैट्स इट। तो आदर्श माध्य क्यों है? क्योंकि भाई साहब सभी टेस्ट को पूरा कर रहे हैं, तमीज से पूरा कर रहे हैं, यही लॉजिक के कारण यह आदर्श माध्य कहलाता है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई शंका, कोई शुभ हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लॉजिकल मैंने हर चीज़ समझाई है, बहुत तरीके समझाई है, और क्लियर करते हुए मैं हर चीज़ को आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे नहीं कि हवा में रैंडमली कुछ काम हो रहा है, पर दोस्तों आपका भी कर्तव्य है कि आप अधिकतम संख्या में हमें शेयर करें। अगर आपको 1600 से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है MCQ के लिए, तो मैंने आपको कल बताया हमारे ऐप को डाउनलोड करें, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें अपोगे जरूर डालेंगे, तो अदरवाइज पैसे लग जाएंगे, आपको ध्यान रखना। और ये आपको मैंने फ्री दिया है, कुछ तो आपको हमारे लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट करने भी चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपसे बड़ा निकम्मा नखरा कोई नहीं हो सकता, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तो कोई डाउट है क्या? यहाँ तो कोई शंका है क्या? यहाँ तो कोई समस्या है क्या? चलिए, दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ आदर्श माध्य की बात हो गई, जिसमें फैक्टर रिवर्सल मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है सर्कुलर टेस्ट। क्या बोला मैंने? सर्कुलर टेस्ट मतलब चक्रीय परीक्षण बोलते हैं इसको हिंदी में, चक्रीय परीक्षण। अब तक तो हमने क्या बोला कि हमारे पास एक ही टाइम, दो ही टाइम पीरियड है, आधार और करंट। अगर 3 समय होते हो, 0, 1 और 2 मान लो, और 3 वर्ष ले लिए, 0, 1, 2 3 वर्ष हैं ये बेसिकली। तो कहते हैं P01 × P12 और P20, मतलब हमारे पास 3 समय है, मतलब कुछ वर्ष होंगे, मतलब 1993, 1997 और 2001 मान लो। इसको 0 मान लिया, इसको 1 टाइम मान लिया, इसको 2 टाइम मान लिया, 0, 1 और 2। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सर्कुलर है ये, ठीक है? हम 3 ले मान लें, पर 0, 1, 1, 2 और 2, 0। 0, 1 में आधा वर्ष है 0 और 1 है करंट, 1, 2 में आधा वर्ष है 1, 2 है करंट, 2, 0 में आधा वर्ष है 2, ये करंट। इन तीनों को जब आपस में गुणा किया जाए और वो इक्वल टू 1 आ जाए, देन इट इज़ कंसिडर एज वॉट दिस सर्कुलर टेस्ट। ये टेस्ट 3
या तीन से ज्यादा, क्या बोला मैंने, तीन या तीन से ज्यादा वर्षों के लिए होगा, तीन या तीन से ज्यादा, जरूरी नहीं कि हमेशा तीन के लिए हो, जीरो वन टू थ्री फोर भी हो सकते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे मन, पी जीरो वन, पी वन टू, पी टू थ्री, पी थ्री फोर इज इक्वल टू व्हाट, वन। इनफैक्ट ये जीरो से लेके एन तक भी हो सकते हैं, जीरो वन टू अप टू कॉट एन। तो क्या लिखूंगा मैं, जीरो वन, वन टू, टू थ्री अप टू व्हाट, पी एन माइनस वन एन, जो भी एन वन टाइम होगा वो, इन सबका गुणा क्या आना चाहिए, वन, तीन या तीन से ज़्यादा वर्षों के लिए। अब सिर्फ फॉर्मूला पूछा जा सकता है, कुछ और नहीं। अब इसको पार कौन करता है, ध्यान रखना कोई भी फॉर्मूला इसको पार नहीं करेगा, सिर्फ दो ही फॉर्मूले इसको पार कर पाएंगे बाय डिफॉल्ट, और वो कौन है, वो है वॉल्श और केली। ये दो ही फॉर्मूले हैं जो सर्कुलर टेस्ट को पार करते हैं, फिशर इस फॉर्मूले को पार नहीं कर पाता है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, फिशर कौन से परीक्षण को पार नहीं कर पाता है, फिशर इस परीक्षण को पार नहीं कर पाता है, कौन करता है, वॉल्श एंड केली ही एकमात्र ऐसे फॉर्मूले हैं जो इसको पार कर जाएंगे, प्यार मोहब्बत से कोई समस्या उनको नहीं आएगी, फिशर इसको पार नहीं करता है। खैर इतना तो डीप नहीं पूछता वॉल्श एंड उनके बारे में, यूजुअली जाना वो पूछता है कि भाई कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला सर्कुलर टेस्ट को पार नहीं करता है। तो बाय डिफॉल्ट फिशर का जो फॉर्मूला है वो सर्कुलर टेस्ट को पार नहीं कर पाता है, बाकी लास्पेयर पासी की वैसी बस की बात नहीं है, ठीक है, डॉर्बिश बाउले की बस की बात नहीं है, कोई भी इसको पार नहीं कर पाएंगे, मार्शल अजवत भाषा की बस की बात नहीं है, ये सिर्फ उससे अगर पार करेगा तो कौन करेगा, वॉल्श और केली ही इसको पार कर पाएंगे, बाकी किसी की भी बस की बात ये नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। इनफैक्ट वॉल्श का भी डाउट है मुझे, वॉल्श भी शायद नहीं करता है इसको, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द होल, फिशर इसको मुख्य रूप से पार नहीं कर पाता है। तो आपसे पूछेगा भाई कौन सा ऐसा है जो कि इसको पार नहीं कर पाता, तो फिशर विल नॉट क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, इसको पार नहीं कर पाएगा। तो ये रही हमारी टेस्टिंग की सारी कहानी कि किस तरह ये टेस्टिंग होती है, क्या इसमें करना होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लगातार बने रहे अपोगे लाइफ पे, और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। राकेश इसको भेजते भी हो या इसे देख खुद ही देखते रहते हो, चलिए लेट्स कंक्लूड, थैंक यू सो मच।